एवरीवन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन. तो फर्स्ट इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन. एज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे विल गिव अस मेटल ऑक्साइड्स. वो हमें क्या देते हैं? मेटल ऑक्साइड्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम. सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विग्रसली टू फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड. When magnesium burns in air, it will give us white fumes and to form magnesium oxide. Similarly, जो हमारा zinc है, when it reacts with oxygen, it will give us zinc oxide. Now, जो metallic oxides हैं, they are also known as basic oxides in nature. Why? These are known as basic in nature because when sodium oxide reacts with water, that will give us what? That will give us sodium hydroxide, which is a base. That's why jo metallic oxides hain, they are basic in nature. There are another some metals which undergo corrosion. Means kuch aisi metals hain jinka corrosion takes place ho jata hai. My question is this, what is corrosion? It is that process in which the slowly eating up of the metal takes place with the help of gases, water vapors which are present in the atmosphere. तो क्या होता है, वो अपनी shininess को कम करना, reduce होनी start हो जाती है उनकी shininess, उनके color में changes आ जाते हैं, they becomes dull in nature. तो ये symptoms है, ये इनसे क्या होता है, corrosion takes place होता है. जब हमारी आयरन मेटल का कोरोजन टेक्स प्लेस होगा तो दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. तो रस्टिंग कैसे होती है वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं. जो आयरन है वो जब रिएक्ट करती है एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, दैट विल फॉर्म्स द आयरन ऑक्साइड और इट्स अदर नेम इज फेरिक ऑक्साइड. बोलते जब वो फेरिक ऑक्साइड एटमोस्फेयर में प्रेजेंट वॉटर मॉलिक्यूल के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, तो दैट विल फॉर्म्स द रस्ट एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3XH2. एक्स इंडिकेट्स द नंबर बिकॉज हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स ने अटैक करा है आपके आयरन ऑक्साइड्स पे, दैट्स व्हाई वी सब्स्टिट्यूट हियर एक्स. नाउ सिमिलरली इन द सेम वे देयर इज अ कॉपर. जो कॉपर है जब वो कोरोजन टेक्स प्लेस करता है तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, दिस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द बेसिक कॉपर ऑक्साइड मींस Cu(OH)2 Cu(CO3). इट इज द बेसिक कॉपर ऑक्साइड. तो इट इज आल्सो रस्टेड. एक्चुअली कॉपर की क्या हो गई है, कोरोजन हो गया है. रस्ट होता है आयरन में और यहाँ पर हुआ है कोरोजन. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द केस ऑफ मेटल्स. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द रिएक्शन विद ऑक्सीजन किसका रिएक्शन करवाएंगे? नॉन मेटल्स का करवाएंगे. इन द सेम वे व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट विल फॉर्म्स द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. वो क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है, दैट विल फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. बोलते फॉर एग्जाम्पल हमारा सल्फर, हमारा फास्फोरस, हमारा कार्बन, जब ये बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, दे विल गिव अस ऑक्साइड मींस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. अगेन जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. नाउ क्वेश्चन राइजेस व्हाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वो हम देख लेंगे जी अभी. बोलते व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इट विल गिव अस व्हाट, इट विल गिव अस एसिड मींस H2CO3 कार्बोनिक एसिड. सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट विल गिव अस H2SO3 मींस सल्फ्यूरिक एसिड. तो एसिड की फॉर्मेशन हो रही है जब वाटर में दे विल डिसॉल्व, दैट्स व्हाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नोन एज acidic in nature. So this is all about the first property which is the reaction with oxygen in the case of
metals as well as non-metals. Hello students, our next property is reaction with water. As our metals react with water and they will give us what? They will give us metal hydroxide as well as metal oxides. जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो बहुत इजीली एयर में रिएक्ट कर जाती है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है बिकॉज दी वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन दी एयर लाइक सोडियम पोटाशियम. वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है एंड दे विल गिव अस हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो दैट्स वाई पोटाशियम सोडियम आर स्टोर्ड इन दी कैरोसिन ऑयल. कैरोसिन ऑयल में हम इसलिए उनको स्टोर करते हैं ताकि वो वाटर के साथ रिएक्ट ना कर पाए. वाइल दी अदर मेटल्स लाइक जिंक आयरन दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस. एंड इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है लाइक फास्फोरस, उसको हम स्टोर करके रखते हैं वाटर के अंदर ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना कर पाए. अगर वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो वो कैचिस फायर कर लेती है, इसलिए नॉन मेटल्स को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं. अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड्स. पुते व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स दे विल गिव अस डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. लाइक व्हेन आवर मेटल लाइक सोडियम, आवर मेटल लाइक आयरन रिएक्ट्स विद डिल्यूट HCl, so they will forms the compounds of chlorides with the evolution of hydrogen gas. Why? When other metals like zinc reacts with sulfuric acid and they will give us the salts of sulfate plus hydrogen gas. Why in the case of non-metals they don't react with the acids? If they react, they will react only with few acids. Otherwise, they don't react. If they react, they will give the complex compound. This is all about the what? Dilute acids. Students, our next property is reaction with bases. Our metals like aluminium, zinc, they react with bases and give us the complex compound with the evolution of hydrogen gas. और जो हमारी मेटल्स हैं वो वीक बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती लाइक अवर अमोनियम हाइड्रोक्साइड. व्हाइल इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स. ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन विद बेसिस. नाउ अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या आप देख रहे हैं हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है. अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज जो अबव लाई कर रही है, जो हमने अबव लिखी है मेटल्स, वो हाईली रिएक्टिव है. जो मिडल में है वो थोड़ी कम रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, और जो बॉटम में है दे आर लीस्ट रिएक्टिव. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बोलते जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इज दैट रिएक्शन इन विच वन मेटल डिस्प्लेसेस द अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. सिंपल है जी, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा और उसके अगेंस्ट जो वीक खड़ा है वो उसको हटा देगा और उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा. सेम एज सच इन द केस ऑफ मेटल्स. अब यहाँ है हमारा हाइड्रोजन बिलो लाई कर रहा है. बोलते जो तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है दे कैन ईजिली रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स एज वेल एज वाटर. व्हाइल दी मेटल्स जो इंटरमीडिएट में है, मॉडरेट है, बोलते जो मेटल्स अबव लाई कर रही है किससे, हाइड्रोजन से, वो क्या है, वो लेस विग्रेसली रिएक्ट करती है एसिड्स के साथ एज वेल एज वाटर के साथ. बट जो बिलो लाई कर रही है किसके, हाइड्रोजन के, डोंट रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज वाटर. तो जो आपका सॉरी सिल्वर है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स एक्चुअली एंड दीज मेटल्स आर नोन एज नोबल गैसेस. तो इसका रिएक्शन लिख लेते हैं. देखें Fe प्लस CuSO4. अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज जो आपका कॉपर है वो आयरन से बिलो लाई कर रहा है
तो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, आयरन क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अगर इसका रिवर्स कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, हमने लिया जी Fe(SO4) प्लस Cu, बट इन दिस केस दिस कॉपर लाइज बिलो टू दी आयरन, इट मीन्स योर कॉपर है दैट इज लेस रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू Fe(SO4), तो हेयर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये आपने नोट करना है कि कौन सी मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है, तो ऑन दैट बेसिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बिटवीन दी मेटल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अलॉय। तो व्हाट इज अलॉय, एन अलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट इज इट एसेंशियल कि जो अलॉय है उसमें मेटल का होना इम्पॉर्टेंट है, विदाउट मेटल अलॉय की फॉर्मेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉय, फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रास की कम्पोजिशन में क्या है कॉपर के साथ जिंक है, ऐसे ही ब्रॉन्ज है उसके साथ कॉपर टिन एंड जिंक है, शोल्डर उसके साथ टिन और लेड है, तो देयर आर सो मैनी अलॉयज। अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉयज हैं दे आर द इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो अलॉयज हैं दे आर लेस मैलेबल लेस डक्टाइल देन मेटल्स, दे अलाउ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द कोरोजन देन मेटल्स, दे आर हार्डर देन मेटल्स, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन दैट ऑफ मेटल। तो ये क्या है, हमें मेटल्स की मेटल्स को इम्प्रूव्ड करके उनकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करके कलेक्टिवली जो मिलता है दैट इज दी अलॉय। तो दिस इज ऑल अबाउट दी अलॉय, वी हैव अ टेबल रिगार्डिंग दी अलॉयज, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज, दैट्स ऑल।